सबकी माँ कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे मेरे देव, हे परम देव परमात्मा, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे भाई हो, तुम ही हमारे सखा हो। और अभी तक तो हम पैसा को अलग करके मानते थे, पर इस श्लोक ने तो ये भी साफ कर दिया है कि हमारे पास जो कुछ भी है, धन दौलत जमीन जायदाद रुपया पैसा सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात वॉट एवर वी हैव इन अवर अकाउंट और इन अवर हैंड, दैट्स अ फॉर्म ऑफ गॉड, वो भगवान ही है। अब आप बताइए, आपके जेब में 10 का नोट पड़ा है और 10 का नोट देख के आपको ये लगता है कि ये भी भगवान ही है, आप बताइए कोई माई के लाल में ताकत है? इस ज्ञान में स्थित व्यक्ति क्या उस 10 रुपए से गुटखा खरीदेगा जिसको जो 10 का नोट ही भगवान है? कैसे खरीदेगा बताइए ना? भगवान से, भगवान रूपी रुपए से क्या कोई तमाकू खरीदेगा? और जो खरीद रहे इनको क्या कहेंगे अपन बताइए? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। शर्म आएगी ये भी कहने में कि इंसान है ये, ये कहने में भी शर्म आएगी महाराज। बाकी सब चीजें तो छोड़ो, जो भगवत स्वरूप 10 के नोट से, 20 के नोट से, 1,500 के नोट से, जो भी नोट चलते हैं, उस पैसे से अगर कोई गुटखा खरीद ले, कोई तमाकू खरीद ले, कोई बीड़ी खरीद ले, कोई सिगरेट खरीद ले, कोई शराब मांस अंडा मछली खरीद ले, क्या आप उसको इंसान भी कह के खुशी महसूस कर पाएंगे? अब वो भले ही चाहे पारासर लिखता हो, वो भले ही चाहे मिश्रा लिखता हो, वो भले ही चाहे तिवारी लिखता हो, कुछ भी लिखता हो महाराज, उससे क्या हो जाए? चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी कुछ भी लिखे, पर जो 10 के नोट से, जो स्वयं त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, जो परमात्मा स्वयं ही 10 का नोट बना हुआ है, परमात्मा स्वयं ही 20 का 50 का 500 का नोट बना हुआ है, उस परमात्मा रूपी पैसे से कोई गुटखा कैसे खरीदेगा यार, बताइए ना आप।